अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया था, क्या घंटा लेकर जाएगा। कौन बोला मुझसे ना हो पाएगा, कौन बोला मुझसे ना हो पाएगा, थोड़ा एटीट्यूड चाहिए रचे, जैसे तू रैप का सही कह रहा था। एनीवे गाइस, वेलकम टू द व्लॉग, माय नेम इज क्षितिज एंड टुडे यू गाइस गेस्ड राइट व्हाट वी आर गोना टॉक अबाउट। वी आर गोना टॉक अबाउट द न्यू मूवी गली बॉय। रणवीर सिंह की नई मूवी आई है जहां पे उसने रैप के गाने आए अभी तक दो। अपना टाइम आएगा यही वाला ठीक है, असली हिप हॉप भी ठीक है, बट जो अपना टाइम आएगा जो मतलब जो फील से उसने गाया है ना, वो जो हिप हॉप वगैरह फील आ रहा है ढंग से की, वो कौन सी लाइन थी, अपना टाइम आएगा तू नंगा ही तो आया था क्या घंटा लेकर जाएगा, ठीक है। तो उसमें जो फील है बहुत सही है यार। फाइनली आई कैन फील कि बैंड बाजा बारात के बाद रणवीर सिंह की कोई बहुत ही अमेजिंग सी मूवी आई है। सो ही हैज डन सम डीसेंट एस मूवीज, ठीक है। रामलीला वाज गुड, बाजीराव मस्तानी बकवास थी, पद्मावत बहुत ही बेकार थी, और जो भी सिम्बा आई है ना वो तो रह नहीं, और बेफिक्र है तो बोलने की जरूरत नहीं है यार। मतलब द डूड हैज स्किल्स, द डूड इज गॉट एनर्जी, द डूड इज गॉट व्हाट यू कॉल, ही इज गॉट अ प्रेजेंस, ही इज गॉट करिश्मा, सब कुछ है यार उसके पास, ही इज अ रियल सुपरस्टार। बट इन द काइंड मूवीज इज डूइंग ना फकिंग शिट, बैंड बाजा बारात जैसी जो उसने मूवी उसके बाद से नहीं बनाई है। और ये जो संजय लीला बंसाली वाले सीन चल रहे थे ना, बाजीराव मस्तानी, रामलीला और वो तीसरी कौन सी थी, पद्मावत में, उसमें ऐसे लग रहा था तीनों बंदे सेम ही कैरेक्टर है, मतलब अलग से कैरेक्टर ही नहीं लग रहा था यार उसमें। बट इवन देन जो उसका रामलीला में था ना, दैट वाज दी बेस्ट अमेजिंग यार। उसकी वो जो लाइन है मेरी फेवरेट है, वो कौन सा था, मेरी मर्दान की बशक मत करना मेघजी भाई, आप गाँव की किसी भी लड़की से पूछ सकते हैं, रिपोर्ट अच्छी मिलेगी। तो उसमें उसकी डायलॉग डिलीवरी, द मूवी, द रोमियो जूलियट की वो जो स्टोरी लाइन थी वो भी बहुत सही थी। बाजीराव मस्तानी में तो पागलों की तरह ऐसी मर जाता है, पद्मावत तो कुछ भी चल रहा होता है यार उस मूवी में, और सिम्बा तो यार छोड़ो। एनीवे, दैट बीइंग सेड, नाउ हिज मूवी इज फाइनली आउट एंड आई एम वेरी साइक्ड टू वॉच द मूवी। ट्रेलर रिएक्शन, आई कुड हैव डन अ ट्रेलर रिएक्शन एंड डन अ सॉन्ग रिएक्शन, बट यार वो कंटेंट हमारा नहीं है, सो आई एम नॉट गोना प्रमोट दैट काइंड ऑफ शिट। तुम्हें देखना है तुम वहां पे जाके देखो, आई एम जस्ट गोना मार्केट दैट शिट अप, हेल्प दीस गाइज इन टू मार्केटिंग। एंड देन सेकंडली द थिंग दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट वाज हिप हॉप म्यूजिक इन इंडिया, ग्रोइंग हिप हॉप म्यूजिक, इंडी म्यूजिक, हिंदी वाला हिप हॉप म्यूजिक जो ग्रो कर रहा है। नॉर्थ में देयर आर पीपल, अब काफी टाइम से ना रैप हैज बीन कमिंग ऑन द राइज, बट द काइंड ऑफ रैप दैट हैज बीन फेमस, दैट इट्स काइंड ऑफ शिट यार। जो ये रफ्तार, हनी सिंह और बादशाह का जो माफिया वाला सीन है, ये पार्टी वार्टी, दारू वारू, यही सब चलता रहता है, ठीक है, वो स्ट्रगल वाली बातें ही नहीं है। नाउ फ्रैंकली स्पीकिंग, आई सॉ हनी सिंह इंटरव्यू, कहता है यार जब मैंने अपने पहला गाना बनाया था, मैंने नया गाना बनाया था, तो उस टाइम पे हम वो अपना मोटिवेशन की बात कर रहे थे, पेट्रियोटिज्म की बात कर रहे थे, स्ट्रगल्स की बात कर रहे थे, किसी ने नहीं सुना, ठीक है। सेकंड गाना बनाया हमने थोड़ा आजादी वगैरह के ऊपर, यूथ के ऊपर, किसी ने नहीं सुना, और ड्रग्स वगैरह के अगेंस्ट। तीसरा गाना हमने बनाया वो जो हनी सिंह एंड बादशाह वॉल्यूम 1, ठीक है, अब वो बना हुआ है जो वायरल, उसके बाद मूवीज आनी शुरू हो गई, वहां पे हर एक में एक हनी सिंह का गाना होता है, बादशाह का या रफ्तार का, वहां पे वो दारू वारू की बातें कर रहे हैं तो हिट हो जा रहे हैं। सो इफ द डिमांड इज लाइक दैट, तो ऑफ कोर्स दीस पीपल आर गोइंग टू मेक दैट काइंड ऑफ म्यूजिक। एंड नाउ पीपल आर सेइंग दैट यार ये नॉर्थ के रैपर्स ये चूतियां साले, कोई रैप होता है जो बकवास कर रहे हैं, जो ठीक कह रहे हैं लोग, बट देन एट द एंड पीपल हैव बीन कंज्यूमिंग दैट काइंड ऑफ कंटेंट। एंड नाउ जब से डिवाइन एंड ये एमीवे बंटाई का आया म्यूजिक, और जब से ये गली बॉय के ट्रेलर के बाद अंडरग्राउंड साइफर्स जो हो रहे हैं जहां पर रणवीर सिंह ज्वाइन करता है एंड में, या फिर एक दो वीडियोस और ऑनलाइन आ रही है, वहां पे काफी क्रेजी शिट हो रखा है उन सारी वीडियोस में। एंड दीस गाइस आर टॉकिंग अबाउट द रियल स्टफ, जो असली में हिप हॉप का फील होता है, जो यूएस में भी स्टार्ट हुआ था वहीं पे, एंड दैट्स हाउ पीपल वुड गेट आउट ऑफ दैट मिजरी एंड पॉवर्टी, दे वुड हैव ओनली हिप हॉप। चार्ली के साथ रह के सारी हिप हॉप की थोड़ी और नॉलेज मेरे को आ गई। सो इंडिया इज कैचिंग अप ऑन दैट एंड इट्स डेफिनेटली मच मच बेटर, जो ये बादशाह वगैरह के रैप से बेटर ये वाला रैप कर रहे हैं। बट दैट बीइंग सेड, आई डोंट थिंक कि यू नो बादशाह रफ्तार के पास टैलेंट नहीं है। ऑलराइट, यू सी बादशाह खुद तो दारू पीता नहीं है, और वो गाने बनाते बिकॉज दैट इज द डिमांड। आई एम प्रीटी फकिंग श्योर दैट डू डज नॉट वांट टू मेक सॉन्ग्स ऑन एल्कोहल एंड गेटिंग ड्रंक एंड पार्टिंग ऑल द टाइम, बिकॉज उसको खुद को तो पसंद नहीं है यार। बट अब अगर ये डिमांड क्रिएट हो रहा है दैट पीपल आर वांटिंग टू लिसन टू द म्यूजिक, सच काइंड ऑफ म्यूजिक जहां पे इंस्पिरेशनल स्टफ है, जहां पे पॉवर्टी वगैरह के अगेंस्ट वो जा रहे हैं, जहां पे वो सब कुछ ओवरकम करके दे चैलेंजिंग द स्टेटस को, इंस्पायरिंग अदर पीपल, गेटिंग इंस्पायर्ड इन द प्रोसेस एंड देन रीचिंग ग्रेट हाइट्स एंड देन फाइनली बिकमिंग सक्सेसफुल, देन आई एम श्योर बॉलीवुड के जो कॉन्टेंट है, जो इतना शिट आया है इतने टाइम से, दैट्स गोना चेंज एंड द सॉन्ग्स आर गोना चेंज, फाइनली वो होने वाला है। एंड आई एम जस्ट वेरी एक्साइटेड फॉर द मूवी टू कम आउट, बिकॉज रणवीर सिंह की मूवी वापस कोई ढंग की लग रही है। एंड देन सेकंडली अबाउट द हिप हॉप म्यूजिक, जो इसके बाद जो सीन होने वाला है वो बहुत सही है। एंड देन वन मोर थिंग आई वांटेड टू मेंशन हियर इज इन नॉर्थ में भी देयर आर लॉट ऑफ हिप हॉप आर्टिस्ट यार, प्रभदीप है जैसे, सीधे मौत है, सीधे मौत के गाने शक्तिमान, कौन सी लाइन दियो, है क्या तेरी पहचान, ना सलमान ना ही शाहरुख खान, तू है गंगा 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 धरी शक्तिमान, ना तू शाहरुख खान है ना ही सलमान है। The kind of music that Prabdeep and See the Moth have been making, that has been amazing. और वो नॉर्थ का जो real stuff है, it's indie stuff, it's not the mainstream. But now that the movie Gully Boy is coming out, it's gonna bring more exposure to the underground rappers from the north and from the south, Mumbai के वगैरह के जो लोग हैं। और इसके बाद से ये हर एक जगह मैं अपनी फोटोज डाल रहा हूँ, यूट्यूब पर कमेंट्स डाल रहा हूँ, लोग कमेंट करें बहुत आर्ट, बहुत आर्ट भाई, बहुत आर्ट, बहुत आर्ट। मैं कहा ये आया कहाँ से, बहुत आर्ट, नॉर्थ में तो पता नहीं। Then I watch all these videos and I'm like, ये चल गया है, ये दो तीन महीना तो रणवीर सिंह is gonna take over everything and now hip hop is gonna be the new shit end।
down. So I'm very excited. Looking forward to watch the movie. That being said, guys, that's gonna be the vlog. If you liked today's video, hit the like button, smash the subscribe button, spank it, smash it, demolish it. And like always, I'm gonna see you guys tomorrow. Peace. अपना टाइम आएगा तू घंटा ही तो लाया था क्या घंटा लेकर जाएगा नहीं तो नंगा ही तो आया था क्या घंटा लेकर जाएगा फिर से करते हैं इसको ठीक है